हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बड़े खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और चिल कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसी चिल के साथ सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का भाई साहब आज के इस प्यारे से और खूबसूरत से लेक्चर में दिल से स्वागत करता हूं। सारे लोग दिल थाम के यहां पे बैठे रहिएगा, करीब 40 से 50 मिनट का जितना ही लेक्चर बनता है उतने में। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आखिर आज के इस लेक्चर को आपने क्यों प्यारा सा लेक्चर बताया, आखिर ऐसा होने क्या वाला है, थोड़ा सा बताएंगे हमको भाई साहब। बड़ा खास होने वाला है आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही शानदार सा चैप्टर, जिसको शुरू करेंगे। और चैप्टर का नाम बता देता हूँ सर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पहले से कई सारी बातें आपने कई पीछे की क्लासों में पढ़ी होंगी, सही है, वो बातें ज़्यादातर बातें जो आपने लिखी है, समझी है, पढ़ी है। लेकिन आज के बाद जो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे तो मज़ा आ जाने वाला है। बस लेक्चर के लास्ट तक आपको बने रहना है। आइए बात को समझते हैं, करते हैं कहानी की शुरुआत। और कहानी की शुरुआत और कहानी का नाम है बेटा सॉल्यूशन। कहानी का नाम क्या है सर, बता दो। कहानी का नाम है सॉल्यूशन। वेरी गुड। सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। वेरी गुड सर, बच्चों के साथ आप पढ़ने जा रहे हो सॉल्यूशन। हाँ जी बिल्कुल सर, बताएं सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अरे भाई, सॉल्यूशन में जो पुरानी बातें आपने पढ़ रखी हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा जब हम बचपन में कहते थे कि सर एक पानी का गिलास लिया, जिसमें आपने शुगर मिला दी, चीनी मिला दिया, थोड़ा नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, साल्ट मिला दिया, कुछ टाइम के बाद चीज़ें घुल जाती, घुलने के बाद एक घोल बनता है, एक मिक्सचर बनता है, और हम कहते थे जी सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और कुछ बातें हमको टीचर पढ़ाया करते थे कि सर इसमें जो लेजर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्जर या एक्सेस में प्रेजेंट है सर उसको हम क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे। ऐसी कई कई बातें हम सब लोगों ने सुन रखी। हाँ, वो बातें भी ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन केवल उतनी बातों से काम है यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर कुछ और भी बातें होनी है। यहां पर यह भी देखेंगे कि इस चैप्टर का जो हर एक हिस्सा है, हर एक पोर्शन है, हर एक टॉपिक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस, आखिर क्यों उसको पढ़ा जा रहा है। चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, बड़ा मासूम सा चैप्टर है। आइए बात कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बता दो आप कि इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हो। बेटा सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि जो अपना सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ डेफिनेशन देख लेंगे, उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या हैं, कुछ बेसिक बातें यार फील लेने के लिए। देखो, फीलिंग लेने के लिए चीज़ों को बेसिक से पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। सॉल्यूशन के बाद इसी में हम देख लेंगे थोड़ा सा, क्या देखोगे सर आप, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। कई कई तरीके के सर, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके जस्ट बाद देखिए, जब ये सॉल्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो आप देखोगे कि सर जो लेजर अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट अभी तो बताया, और जो लार्जर में वो सॉल्वेंट, लेकिन इसको डिफाइन कौन करता है, कौन लेजर है, कौन लार्जर है, कैसे पता करेंगे सर आप। इसी चीज़ के कन्फर्मेशन के लिए, इसी चीज़ को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हमको पढ़ना होता है एक नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो ऐसा है कि ये टॉपिक आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, वेरी गुड, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बात करेंगे अपन, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, और कई जो फिजिकल टर्म्स अपने पास होते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इन तमाम तरीकों की बातें होनी ही है, पर अलग लेवल से बात होनी है। देखिएगा, जब सर आप इतना काम कर डालोगे, इतने काम के बाद आप क्या करोगे सर, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को लेके आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करोगे कि सर ये टॉपिक तो वास्तव में बड़ा काम का टॉपिक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो एडवांस में यहाँ से बनते हैं सर, बहुत शानदार सवाल बनते हैं। वेपर प्रेशर के बाद सर आप क्या पढ़ोगे? वेपर प्रेशर के साथ हम पढ़ेंगे उसके बाद कोलिगेटिव। और एक चीज़ आप समझिए, इस बात को थोड़ा गौर से समझिए, रुको पहले मैं लिख देता हूँ फिर आप समझो। एक्चुअल में ये टॉपिक हमने बनाए हैं, वैसे ये कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है। वेपर प्रेशर को पढ़ने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी का अगला, बोल सकते हैं सोपान बोल लो या सीढ़ी बोलो, अगला टॉपिक इसी का। आप देखोगे इसी में वेपर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा समझ लो। वेपर प्रेशर का मतलब आपके पास कोई लिक्विड है जिसको आपने हीट दी, गर्म किया, तो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल सर क्या करेंगे सर, वो गैस जो स्टेट होती है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यदि कंटेनर सर बंद है तो वो क्या करेगा, उस कंटेनर की या जो पात्र बोलो या सिस्टम बोलो, कुछ भी आप बोल लो, उसकी दीवारों के ऊपर वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, उसको आप वेपर प्रेशर बोलोगे। अभी थोड़ा फीलिंग के साथ समझो। लेकिन अब इसी बात को थोड़ा जब डीप जाके देखेंगे, आप देखोगे कि सर जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिला देते हो,
किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसके बाद उस वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। यहीं से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, साथ के साथ बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए देखो अभी उन बातों को इतना नहीं अपन एक्सप्लेन करें, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा। अभी तो केवल आप इंट्रोड्यूस हो जाइए अपने नए नए प्यारे प्यारे दोस्तों से जो चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद आप क्या पढ़ा दोगे? सर उसके बाद हम पढ़ाएंगे एक नया सा और प्यारा सा टॉपिक, कई टीचर इसको एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एबनॉर्मल मोलर मास। और हमारे जैसे कुछ लोग सीधा सीधा इसको वांट ऑफ फैक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वांट ऑफ फैक्टर। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे भी बात हो जाएगी कि सर जब आप इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं और उनका मोलर मास भी सर कम ज़्यादा हो जाता है। अभी एसोसिएट होगा कोई भी पार्टिकल या कोई भी जो मॉलिक्यूल तो क्या होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा, और डिसोसिएट होगा तो वो कम हो जाएगा। करेंगे बात वो भी। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में सर नाम नया सुना है, बिल्कुल नया है आपके लिए नाम, पर बता देता हूँ कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं प्यारे बेटा जिसमें क्या होता है कि वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। जितना सॉल्यूट का पार्टिकल आप डालते जाओगे तो वो प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा अफेक्ट होती जाएगी। अच्छा सर, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? सॉरी बताना भूल गए थे। आप देखो, सबसे पहले आप देखोगे इसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव, ए बड़ा कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिंदगी में, जिसको आप क्या बोलते थे सर? उसको हम बोलते थे एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब सर बढ़ोतरी बोल लो, इंक्रीमेंट बोल लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप देखोगे कि एक सॉल्वेंट में या एक लिक्विड में जैसे ही आपने बाहर से कुछ सॉल्यूट मिलाया, कुछ दूसरा जो आपने बोल सकते हैं सॉल्यूट मिला है, तो सॉल्यूट के मिक्सअप के बाद क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सर इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोलते हो आप? इसके जस्ट बाद आप तीसरा इसी में एक टॉपिक पढ़ोगे, चौथी जो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी गुड, ऑस्मोटिक। अच्छा ये सब पढ़ लोगे। अच्छा छठवां जो टॉपिक, लास्ट जो टॉपिक आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे लास्ट में। कई टीचर इसको पहले भी पढ़ा देते, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन लास्ट में पढ़ते तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है इसको। हेनरीज़ लॉ की बात, बिल्कुल हेनरी लॉ की बात सर यहीं पे होनी है। ये तमाम टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, पीछे के PYQs भी अपन कर लेंगे यहाँ पे। करें स्टार्ट आप कहें तो? बिल्कुल। तो करते हैं कहानी की शुरुआत आज के पहले टॉपिक से, और आज का जो पहला टॉपिक है नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, डाल लेते हैं हेडिंग। और हेडिंग कौन सी है सर? हेडिंग डालो आप सॉल्यूशन की। सर हमको बता दो डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या होती है आप लिखोगे इसमें? लिखा दो सर, क्या लिखोगे? लिख लो होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू, और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। बेटा होमोजीनियस क्या होता है सर? होमोजीनियस होता है कि जिसके कॉम्पोनेंट को अलग अलग नहीं देखा जा सके। देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक ही चीज़ है, बड़े प्यार से घुली मिली जो चीज़ होती है ना, उसी को हम होमोजीनियस बोलते हैं सर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स विच स्ट्रेंथ वेरी विदिन सर्टेन कंपोजिशन। दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सर है, और वो मिक्सर कई सारी स्ट्रेंथ में वेरी कर सकता है। आइए बात को करते हैं, थोड़ा रुक कर ठहर के बात को किया जाए तो अच्छा लगता है, बैठ के बात को किया जाए तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। जैसे मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से मैंने बेटा एक गिलास पानी का लिया, वाटर ले लिया। यहाँ पर वाटर लिखूँगा तो थोड़ा ज़्यादा फील आएगा, H2O में फील थोड़ा कम आएगा। इस वाटर में सर आपने मिला दिया थोड़ा सा शुगर, बिल्कुल येलो
कुछ सीगर कुछ चीनी मैंने मिला दी और मिलाने के बाद मेरे पास एक घोल बन गया, एक मिक्सचर बन गया। आप देखेंगे कि चीनी के पार्टिकल इसमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये होमोजीनियस मिक्सर तो है ही। पहली बात सुनना ध्यान से। अब आप ये मानो कि ये जो वाटर का गिलास था, ये मान लो सर आपके पास 100 ml का था, जिसमें आपने सर 10 ग्राम शुगर या 10 ग्राम चीनी आपने मिला डाली, बिल्कुल सर मिला दी, जो मिक्सर बना ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता था कि इसी 100 ml में 5 ग्राम चीनी भी डाल सकता था, 3 ग्राम भी डाल सकता था, या मैं क्या कर सकता था, जो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बना पड़ा है इन्हीं इसी स्ट्रेंथ का कि 100 ml में 10 ग्राम का, इसी में मैंने 10 ml और पानी मिला दिया तो भी जो बनेगा मिक्सर उसी को भी मैं सॉल्यूशन कहूँगा। 20 ml और मैंने पानी मिला दिया उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको भी मैं सॉल्यूशन कहूँगा, उस मिक्सर को भी। यानी कि अलग अलग स्ट्रेंथ का जो आपके पास बोल सकते हैं मिक्सर बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। पहली बात देखा जाए तो डन, राइट कर लीजिए साथ के साथ, आप चीज़ों को राइट करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए, अलग से कुछ नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाने, चले आगे ओके। और अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद एक साथ राइट कर लेना भाई, कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलो अब सर आप बता रहे थे कि जब बात स्टार्ट की थी चैप्टर की, उसी टाइम आप बोल रहे थे कि इसके कुछ कंपोनेंट भी होते हैं। बेटा कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, तो सुनिए देखो, जो अपना सॉल्यूशन बना पड़ा है, ये सॉल्यूशन कहता है कि सर मेरे देखा जाए तो दो बच्चे हैं सर, देखा जाए तो, यानी मैं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ हूँ सर। पहली जो चीज़ है सर उसको आप बोल लो सॉल्यूट, क्या बोलोगे, सॉल्यूट। सर ये नाम कुछ सुने सुने हैं बेटा, सुने सुने हैं, छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाते हैं ये। और सर जो दूसरा कंपोनेंट इसका होता है उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट में आप लिखो बेटा, आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट, क्या लिखोगे बेटा, प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, क्या लिखोगे, प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, थोड़े अमाउंट में है, उसी को क्या बोलते हैं, लेजर अमाउंट। अच्छा और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, लिखते हो विच लॉसेस, विच लॉसेस देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अच्छा अभी अभी आप एक एग्जांपल में आप देखा कि सर हमने जैसे ही जो अपना शुगर था उसको वाटर में मिलाया, तो इसकी जो खुद की फिजिकल स्टेट थी ना सर, भाई चीनी के क्रिस्टल तो सॉलिड थे लेकिन घुलने के बाद वो खुद भी कैसी बन गए, लिक्विड। तो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर देते हैं। लेकिन मैं इसी में एक बात और लिखूंगा, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा हो जरूरी थोड़ी है भाई साहब। आप कल्पना कीजिए, अज्यूम कीजिए कि मैंने क्या किया, 100 ml वाटर में 5 ml एल्कोहल मिला दिया, शराब मिला दी, दारू मिला दी, तो मिलाने के बाद मतलब अल्कोहल पहले से ही लिक्विड था, बाद में भी लिक्विड है। यानी ऑलवेज फिजिकल स्टेट को लॉस किया जाए जरूरी नहीं है, लेकिन कई मामलों में ऐसा हो जाता है। अच्छा सर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं। अच्छा दूसरी बात सर आप यहीं पे ये भी कर लो, सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट में यहाँ लिखोगे प्रेजेंट इन, क्या लिखोगे बेटे, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। ये कहता है कि मैं लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हूँ सर, सॉल्यूशन में जो ज़्यादा हिस्सा है वो मेरा है सर, ज़्यादा हिस्सा मेरा है। अच्छा क्या, और ये क्या करता है, रिटेन, रिटेन फिजिकल स्टेट। यानी सॉल्वेंट जैसा होगा पूरा सॉल्यूशन भी उसी फिजिकल स्टेट का होगा, यानी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सर बरकरार रहेगी, वैसे के वैसे रहने वाली होगी। इतनी बातें काफ़ी है देखा जाए तो। और नॉर्मली बात की जाए ना सर, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक बाइनरी सॉल्यूशन को, कौन से सॉल्यूशन को, बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे सर। यार ज़िंदगी में क्या क्या लिख देता हूँ मैं, देखो बाइनरी सॉल्यूशन लिखने जा रहा था, लिख गया एम, बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा बाइनरी का मतलब क्या होता है सर, जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो उसी को आप बाइनरी बोलोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाइनरी का मतलब दो ही कंपोनेंट हो, ठीक है। राइट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा सर ये बातें आपने की कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं ज़िंदगी में। और सर ये मज़ा क्या है बताएंगे, ज़रा बताएंगे, सुनिएगा। अब पहले तो मैं थोड़ी बात यहीं पे ये करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि सर ये लेजर अमाउंट है, लार्जर अमाउंट है, इसको कौन डिसाइड करेगा, ये नापतोल हम कंसंट्रेशन टर्म्स के थ्रू करने वाले रहेंगे। फिलहाल एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं साथ के साथ, बड़ा प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि नमक और पानी का या चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का ही सॉल्यूशन होता है। अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है सर। क्या क्या बाकी है दिखाएंगे ज़रा। देखो, सॉल्यूशन कई टाइप के होते हैं सर। पहला जो टाइप है जिसमें आप लिख सकते हो, क्या राइट करोगे? फर्स्ट में हम लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सर? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब बताऊंगा अभी आपको। ये एक तरफ लिखो सॉल्यूट, एक तरफ लिखो सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें सॉल्वेंट कौन सा है। बात करते हैं, चलो। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा सर? सॉलिड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन सॉल्यूट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं क्या सर? हो सकते हैं। पहला तो कि मैंने सॉल्यूट को भी सॉलिड किया, और सॉल्वेंट तो ऑलवेज सॉलिड रहना ही है। दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा मेरे पास हो सकता है कि मैंने सॉल्यूट को कर लिया सर लिक्विड, और मेरे पास सॉल्वेंट इस बार भी क्या है सर? सॉलिड ही है। तीसरा सर, मैंने सॉल्यूट को ले लिया है गैस, और सॉल्वेंट को फिर से मैंने क्या रखना है? सॉलिड ही रखना है। सर इसके कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल आपके पास है तो बता दो बेटा। है देखो, सॉलिड सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉलिड सॉलिड का मतलब जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो ना बेटा। तो इसका एग्जांपल हो सकता है सर जैसे कि एलॉयस। एलॉयड का, एलॉयस का मतलब हो जाएगा जैसे लाइक में आप देख लो ब्रास है ना। अच्छा एग्जांपल है, दो आप मेटल्स को मिला के एक एलॉय बनाते हो तो एक अच्छा मिक्सर होता है, नहीं देखा जा सकता, वो होमोजीनियस मिक्सर होता है। क्या बात करते हो आप। अच्छा लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल करोगे आप? बिल्कुल। जैसे मैंने क्या किया, सोडियम लिया, और सोडियम को जो सॉलिड है उसको मैंने मिला दिया मरकरी में। आप देखोगे कि सर मरकरी तो सर लिक्विड होती है और सोडियम होता सर सॉलिड। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम जो था वो सॉल्वेंट था, इसमें मैंने थोड़ा सा मरकरी मिलाया और जो बना आपके पास उसको बोलते हैं क्या? NaHg। NaHg का मतलब समझते हो क्या सर? अमलगम। अमलगम, अमलगम सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर इस सॉल्यूशन का, कुछ भी आप बोलो चाहे इसको लेके। अच्छा सर, गैस, गैस को सॉलिड में घोलना तो सर देखने में बड़ा नामुमकिन लग रहा है, पर नामुमकिन है नहीं। देखो इसका एग्जांपल है एकलजन ऑफ H2 ऑन PD सरफेस। यानी सर पैलेडियम की सरफेस के ऊपर H2 की जो प्रहार आप कराते हो, किसकी प्रहार कराते हो? H2 की आप प्रहार कराते हो। H2 का जो एब्जॉर्प्शन इसके ऊपर होता है, ओवर लिख लो, ओवर थोड़ा बेस्ट रहेगा, उसी को आप क्या बोलते हो सर? उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा गैस और सॉलिड का, जहाँ पे सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट आपके पास कौन हो? सॉलिड हो। अच्छा और कुछ एग्जांपल, चलो दूसरे टाइप का जो भी आपके पास सॉल्यूशन लेना है लेते हैं उसको, और वो कौन सा हो जाएगा सर? वो हो जाएगा, अच्छा लिक्विड सॉल्यूशन ले लो आप। लिक्विड सॉल्यूशन सर बताओ थोड़ा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बेटा। इस बार लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे आप कि सर सॉल्वेंट लिक्विड होना है अपना। सॉल्वेंट कैसा होना सर? लिक्विड होना है। लिखो, यानी इस बार फिर मेरे पास सॉल्वेंट कैसा होगा सर? लिक्विड होगा। LIQUID लिखो ना यार। ये भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। और सर ये भी कैसा होगा? जिंदगी में लिक्विड ही होगा। सर मुझे आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? बेटा बता रहा हूँ ना यार, बता रहा हूँ सॉल्यूट क्या हो सकता है सर। सॉल्यूट या तो आपके पास सॉलिड हो सकता है, वही बात करूँगा मैं सर। सॉल्यूट आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, बिल्कुल बेटा आगे। और सर सॉल्यूट आपके पास गैस भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा सर आप इसका एग्जांपल बताओ, जहाँ पे आपने सॉलिड को लिक्विड में घोला बेटा। अभी तो बताया क्या कि शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर जहाँ पे लिक्विड में लिक्विड को आपने घोला, अरे भाई साहब बहुत बार C2H5OH या शराब या अल्कोहल को वाटर में घोला जा सकता। अरे वाह। और गैस को लिक्विड में घोल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, गैसों को लिक्विड में घोलते देखा मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने सर CO2 को घोलते देखा, सोडा वाटर मैंने सर बनते देखा है। इसका मतलब गैस और लिक्विड के मिक्सर का एग्जांपल हो जाएगा सोडा वाटर। क्या हो जाएगा? सोडा वाटर। अरे वाह सर, वेरी गुड। अच्छा सर और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या सर गैसियस सॉल्यूशन भी आपने देखे? बिल्कुल बड़ा, मैंने देखे गैसियस सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन देखे गैसियस।
तो हेडिंग डालते हैं तीसरी, गैसियस। सॉल्यूशन, अरे बेटा गैसियस सॉल्यूशन की बात करोगे तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सर इस बार जो आपके पास सॉल्वेंट होगा, बेटा दिख रहा क्या ठीक से, वो सब के सब कैसे होंगे सर, गैसियस होंगे। कैसे होंगे, गैस गैस गैस, और यहाँ पे भी आप लिख लोगे प्यारे बेटा गैस। बट सर इस बार जो आप सॉल्यूट लोगे ना जिंदगी में, वो सॉल्यूट कैसा हो सकता है, अरे बेटा एक बार तो सॉलिड में लेके देखो इसको, फिर एक बार गैस में आप लिक्विड को मिला के देख लो, और लास्ट टाइम आप क्या करोगे गैस में गैस को मिला के देख लो, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है, क्या एक्चुअल में ऐसे सॉल्यूशन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। बेटा करते ही होंगे सर, आप बोल रहे हो तो देखो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सॉल्यूट आपके पास सॉलिड है और सॉल्वेंट आपके पास, इसमें कैसा रहना है, गैसियस आपके पास रहना है। अच्छा बताओ कहाँ पे आपने गैस में सॉल्यूट को घुलते देखा है, बताओ, सोच लो, 1 मिनट का टाइम है, सॉरी 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दो। देखें जल्दी से बता दो जहाँ पे आपने देखा होगा कि गैस में या फिर एनवायरनमेंट में सॉलिड कहीं पर घुला हुआ हो। सर होता है, होता है सर, कैंपर को खुला छोड़ो, आप देखोगे कि एनवायरनमेंट में कैंपर की थोड़ी सुगंध हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो कैंपर इन एयर, कैंपर इन एयर। अच्छा सर लिक्विड को आपने देखा कहीं घुलते हुए, लिक्विड का एग्जांपल, थोड़ा सा आप माइंड में इस चीज़ को रिमाइंड कीजिए, सोचिए, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आपके पास आने वाला होगा कि जहाँ पे आपने ये देखा हो कि सर गैस में लिक्विड कहीं पर घुल रहा हो। सर ऐसे एग्जाम्पल हैं सर, बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, यानी आप देखोगे एनवायरनमेंट में नमी है, तो वो भाई साहब एनवायरनमेंट में या गैसों में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं, तो जिसको आप कहोगे मॉइस्चर इन एयर। अच्छा सर अगला जो आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें गैसेज है, तो आप तो इसमें लिख सकते हो जैसे N2+O2 देख लो, +H2 देख लो, यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेज, जो इसका एग्जांपल बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जांपल सर इसका हो सकता है सर देखा जाए तो। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की हमने बात की, इतने ही सॉल्यूशन मेनली पाए जाते हैं। तो चाहो तो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट करना चाहो तो साथ के साथ राइट भी कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है बेटा वैसा कर लो, जल्दी करो। ओके करो इतना काम और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बेटा, उस नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, ए बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा ना वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। डालो हेडिंग, डालो कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स बड़ा ही प्यारा टॉपिक है सर। अच्छा बताओ थोड़ा ज़रा इसके बारे में। देखो ये दो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास होती है बच्चों, पहली जो होती है जिसको मैं बोलता हूँ मास रिलेटेड, जानते होंगे आपने पढ़ा होगा मास रिलेटेड, सॉरी और बेटा दूसरी जो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड। अच्छा जी और बोलो सर, और बोलो, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर जो मास रिलेटेड होती है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दिन दहाड़े में एक बात बोल रहा हूँ, मास रिलेटेड में क्या लिखोगे कि डस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अच्छा मास वाले टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, और वॉल्यूम वाले में क्या लिखोगे, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये सर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बिल्कुल। अच्छा कौन कौन सी ये कंसंट्रेशन टर्म्स बताओ जरा, आओ बताते हैं। सबसे जो पहली होती है जिसको हम बोलते हैं सर वेट बाई वेट परसेंट, देखो इनके फॉर्मूले में कहीं भी चीज़ों को वॉल्यूम में नहीं लेंगे, केवल मास में लेंगे, मास का मतलब ग्राम या किलोग्राम में लेने को मिलेगा, वॉल्यूम में लेने का मतलब चीज़ों को जहाँ पे हमने ml में या लीटर में ले रखा हो, तो लीटर और ml की बात यहाँ पे नहीं होगी सर। अच्छा और कौन सी हो सकती है कंसंट्रेशन टर्म, जैसे आप करोगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नाम का एक बड़ा ही प्यारा अच्छा टॉपिक है, वो भी जो है सर वॉल्यूम पे सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा सर मोलेलिटी की बात आप करते हो बहुत बार, मोलेलिटी की बात करते तो सर मोलेलिटी के लिए भी मैं कहता हूँ कि सर इसमें वॉल्यूम नहीं आता कहीं पे भी, तो ये भी
टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और सर पीपीएम की बात कर लो तो पीपीएम भी डिपेंड नहीं करता है। अच्छा इधर की बात करो सर, इधर कौन कौन हो जाएगा? सर देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम आया है एक, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि वॉल्यूम आया है। एक सर मोलेरिटी, मोलेरिटी में भी सर वॉल्यूम का जिक्र होगा, है ना, मोल बाई लीटर होता है कि नहीं होता है, मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलेरिटी भी डिपेंड करता है। एक सर नॉर्मेलिटी, अरे वाह नॉर्मेलिटी का क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इनमें भी आपको क्या मिल जाना है सर, इनमें भी हमको मिल जाना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम मिल गया तो सर ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सर बड़े अच्छे टॉपिक मिलेंगे सर इन टॉपिकों से, देखो मोलेरिटी है, नॉर्मेलिटी है, जब इनको पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे बड़े अच्छे टॉपिक मिलते हैं, जैसे टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन है, ये वो टॉपिक जो एडवांस के क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो इनको थोड़ा ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से इनको अपन को पढ़ना होगा। आइए एक एक करके सारे टॉपिक को निपटाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप वेट बाई वेट परसेंट, चलो ये राइट कर लो भाई, राइट करना है, बोर्ड की कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, जो बोर्ड पे राइट की जा रही है सारी राइट करते जाओ आप तो। चलो बेटा पहला कौन सा हो जाएगा, वेट बाई वेट परसेंट। अच्छा वेट बाई वेट का मतलब देखो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स ऊपर हमने लिखे हैं ना सर, उन सब का काम तो एक ही है सर, काम ये है कि ये हमको बताता है कि मिक्सर में जितने भी तरीके के कंपोनेंट हैं, जितने भी टाइप की चीज़ें रखी हुई है उनका कितना पोर्शन है, कितना हिस्सा है, या ये बोल सकता हूँ कि सॉल्यूट के पोर्शन को मेनली इंडिकेट करती है कि कितना सॉल्यूट जो है वो पूरे मिक्सर में घुला हुआ है। अब देखो ग्राम में लेंगे तो भाई वेट बाई वेट हो जाएगा, ml में लेंगे तो वी बाई वी हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है किस टर्म में आप ले रहे हो, आप किस यूनिटी में उसको ले रहे हो। मोल में लेंगे तो मोलेरिटी हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट में लेंगे तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा, पर काम सबका एक ही है कि सोल्यूट के पोर्शन को, सोल्यूट के हिस्से को बताता कि कितना है, देखा जाए तो मोटे तौर पर ये बात होनी है। तो ऊपर में लिखूंगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका मतलब है सोल्यूट, नीचे का मतलब है पूरा सोल्यूशन, अभी मोटे तौर पर देखो। अच्छा W का मतलब समझना पूरे चैप्टर में कि यहाँ पे मास की बात हो रही है, वी लिखा हुआ तो इसका मतलब समझना वॉल्यूम की बात हो रही है। अच्छा तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की बात, सॉरी वेट बाई वेट परसेंट की बात आप कर रहे हो, क्या लिखोगे इसमें? हम लिखेंगे इसमें कि मास ऑफ सोल्यूट विच आर डिजोल्वड, विच आर डिजोल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और नॉन वेट बाई वेट परसेंट। अच्छा परसेंट मिलेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई दुविधा नहीं है बेटा कर देना। अच्छा सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे बेटा फॉर्मूला बन जाएगा वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आपके पास आप क्या लिखोगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। अच्छा परसेंट में देखना कि पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें अपना सॉल्यूट कितना ग्राम है, फिर उसको परसेंट में देख लो आप। अच्छा जरूरी थोड़ी 100 ग्राम ही हो, इसलिए परसेंट निकालना जरूरी है। डन, चलो आगे चलते हैं एक बार के लिए, फिर एक साथ क्वेश्चन बनाएंगे सबका। दूसरा जो आपके पास सर जो टर्म होता है वो कौन सा हो जाता है? वो अपने पास हो जाता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। टेंशन मत लो, एक बार क्वेश्चन बनाएंगे, पहला इंट्रोडक्शन जरूरी है। इसमें आप क्या लिखोगे? ऊपर W है तो मास ऑफ, क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन, इस बार 100 ग्राम के बजाय लिख लोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है। अच्छा सर इसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे बेटा? लिख लो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा किस में लेना था? ये भी सर ग्राम में लेना था, ये लेना था ग्राम में। यहाँ पे बात करोगे मास ऑफ सॉल्यूट किस में लोगे बेटी? ग्राम में। और नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटी ये किस में लोगे? सर ये लेंगे हम ml में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100। वेरी गुड। और सर और बताओ जिंदगी में सब ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है, चिल है सब कुछ, आ बताओ। अच्छा आगे
और सर कौन सा टर्म ले रहे हो आप जल्दी से बता दो। तीसरा एक बार यार ये और कर लेते हैं, देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को करने के बाद ही काम बनेगा, फिर ही कुछ क्वेश्चन बना पाएंगे। देखो लिखोगे क्या लिखोगे इसमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच आर परसेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर वी बाई वी परसेंट बराबर वही लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गलती से यार, वैसे माइंड में तो सॉल्यूट ही चल रहा था, लिख दिया मैंने सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह वाह भाई वाह, थोड़ा फील दिलाते हैं आपको इस चीज़ को लेकर कि सर क्या बात कही है। देखो सुनना ध्यान से, इतना राइट कर लिया क्या? चलो राइट करो, पहले करो राइट, स्क्रीन शॉट ले लो या राइट कर लो पहले। चलो चले ओके। इसके बाद आप देखो सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं और क्या सर समझे नहीं कुछ, कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? एग्जांपल देखो भैया जी, कहना ये चाहते हैं, सुनना ध्यान से, क्या कहना चाहते हो जी? यार पेन बड़ा बारीक चल रहा है, क्या बात है? चलो सॉरी, जैसे कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए 20% ट्वेंटी परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, अच्छा इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि दैट मीन्स यही हुआ कि 20 ग्राम H2SO4 आर परसेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह सर ये बात थी, बिल्कुल बेटा यही बात थी, और क्या बात थी? जैसे बेटा कहीं पर लिखा हुआ आपको मिल जाए कि 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के बजाय थोड़ा और वेस्ट लिख दें आपको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा जी तो इसका मतलब, इसका देखो एक्चुअल में इन टर्म्स से कोई क्वेश्चन बहुत रेयर का चांस होता है कि पूछ ले छोटा मोटा क्वेश्चन, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है इसके मीनिंग से ही क्वेश्चन बनाता है। कई बार हमको क्या होता है सीधा सीधा दे देगा वेट परसेंट इतना गिवन है, वॉल्यूम परसेंट इतना गिवन है, तो वो मीनिंग समझना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं थोड़ा। तो देखो क्या लिखोगे इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि 30 ml ग्लूकोज आर परसेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन 100 ml है तो उसमें 30 ml अपना क्या हो गया ग्लूकोज। तो ये इसका मीनिंग होता है समझा जाए तो, कि एक्चुअल में आपको ये वेट बाई या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऐसा गिवन होगा, तो इनका मीनिंग आप समझ जाएं। डन, चलो एक दो सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इन तीनों छोटी टर्म्स जो अपन ने पढ़ी हैं इनको कंप्लीट करते हैं पहले। आओ अच्छा सर कोई बढ़िया सा सर कोई सुना दो यार गाना, क्या क्वेश्चन सुना देते हैं आपको। देखो जैसे कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपको कि ए 20%
वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ HNO3 हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cm³. देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करोगे भाई? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन. बड़ा प्यारा सा और छोटा सा सवाल है, कोई बात नहीं. एक मिनट का टाइम है, थोड़ा ट्राई करना चाहो तो कर लो, फिर चलते हैं आगे. और मैं नहीं रुकूंगा भाई, तुम पॉज कर लेना वीडियो को और फिर आगे चलते हैं. देखो अच्छा सर, देखो क्या गिविन है सर आपको? 20% वेट बाई वेट गिविन है. अच्छा, 20% वेट बाई वेट हमको गिविन है, जिसका मतलब पहले लिख देता हूँ. मीनिंग क्या इसका कि 20 ग्राम. अच्छा, HNO3 यहाँ पे क्या है जी? सोल्यूट है ही सर, 20% है इसका मतलब. 20 ग्राम HNO3. अच्छा, सोल्यूट का मास गिविन है. किसमें है? 100 ग्राम सोल्यूशन. अरे वाह, यही तो चाहिए था. सर पूछा क्या है? सर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट जो पूछता है, जो आपको कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखें ताकि सुविधा हो जाए, थोड़ा इजी लगे. क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉर्मूला था जी मास ऑफ सॉल्यूट, अरे वाह, जो HNO3 है ही. किस में था? ग्राम में था. वेरी गुड. और नीचे लिखते थे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अरे वाह जी सर. अच्छा, ये ml में लेते थे जी, इंटू 100. देखो जी, मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास है, ये रहा हमारे पास है सॉल्यूशन का मास, लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास नहीं जी, सॉल्यूशन का चाहिए वॉल्यूम. और वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि डेंसिटी बंदे ने दे रखी है 1.2 ग्राम पर cm³. और cm³ को हम ml बोल सकते हैं, cm³ और ml एक ही बात है, कोई दुविधा नहीं है. डन. अच्छा, तो भाई साहब डेंसिटी का एक फार्मूला हुआ करता था, मास या गिविन वेट बाई वॉल्यूम, या बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. अच्छा, डेंसिटी की बेटा यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट क्यूब होती है, जैसे किलोग्राम पर m³ हो सकती है. अच्छा, और क्या हो सकती है सर? सर ग्राम पर cm³ हो सकती है. अच्छा सर, ग्राम पर ml हो सकती है. देखो ये दोनों, सेकेंड और थर्ड वाली बात एक ही है. इसी चैप्टर में सर एक जगह मैं स्टार लगा के लिखा देता हूँ, टर्म और आएगा जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. सुनना ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो बेटा जी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये भी सुन लेना. स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं शॉर्ट में SG बोल दूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका होता था कि आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और नीचे लिखोगे आप डेंसिटी ऑफ वाटर. तो वाटर की डेंसिटी तो सर 1 ही होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो एक ही बात है. बस डिफरेंस कहाँ पे है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसमें लिखते हैं नो यूनिट. यानी ये एक यूनिट लेस टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी. बाकी केवल डेंसिटी की बात करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml बोल सकते हैं और या फिर किलोग्राम पर m³ SI में बोल सकते हैं. ओके, तो दोनों बात एक ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही बात है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है. तो नीचे 1 लिखोगे कोई मीनिंग नहीं, बस यूनिट, ये यूनिट लेस है और इसकी यूनिट होती है. अच्छा चलो जी, तो अब बात कर लेते हैं कि सर मेरे को डी वॉल्यूम चाहिए, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? इधर लिख लें, वी बराबर हो जाएगा जी मेरे पास मास बाई डेंसिटी. गुरु मास क्या होगा भैया जी? मास है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.2, कोई दुविधा नहीं है. 100 और कितना हो जाएगा? 1.2. चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट. अच्छा ठीक लगा है ना फॉर्मूला, देख लेना एक बार m/d. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मेरे को गिविन है गुरु, कितना गिविन है? 20 है, 20. और देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आया है, कितना निकल के आया है? 100. और 1.2 ऊपर आ जाएगा तो कोई दुविधा नहीं है, 1.2. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. अच्छा मल्टीप्लाई में और क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई में आपके पास हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल भी हो जाएगा.
देखो फॉर्मूले में है ना, यहाँ पे ये वाला 100 नीचे पुट किया है, ये आपके पास हो गया वॉल्यूम, ये आपके पास था वेट, ये इससे ये मर गया। अच्छा कितना हो गया यहाँ पे, हो गया 2.4। कितना आंसर आ जाएगा रे, 0 से 0 मतलब 24% आ जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा 24। कैलकुलेशन वगैरह आप और देख लेना भाई जल्दबाजी में, हम तो यहाँ पे कर देते हैं, बाकी कोई वैसे तो इरर वगैरह नहीं होगा, बाकी और देख लिया करो। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा 24%। कोई टेंशन नहीं, बस मीनिंग समझो, जो डाटा गिवन है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, या तो सीधा सीधा डाटा गिवन है तो लगा दो फॉर्मूले में, नहीं है तो फिर डेंसिटी वगैरह यूज करके यहाँ पे सीधा सीधा बना लिया जा सकता है। डन, और बताओ कैसे हो। वीडियो अपना हो चुका है 40 मिनट के आसपास का, और एक आध सवाल और करना चाहो तो भाई एक आध सवाल और करते हैं, फिर नए लेक्चर में करेंगे बाकी बातों को। राइट कर लो भाई पहले, राइट वगैरह करना चाहो तो राइट कर लिया करो साथ के साथ। डन, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला सर? मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और एक क्वेश्चन और करते हैं सर, करा दो एक क्वेश्चन, जैसे आप लिखो। ए 35% 35% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। सवाल तो बनाने को कई सारे बनाए जा सकते हैं, बाकी ठीक है, इसी तरीके के आपको DPP वगैरह सेंड कर देंगे, उसमें आप जो है वो सवाल बनाएगा। ये सवाल आप खुद से कीजिए और कमेंट में बताइए, नहीं आता है तो फिर आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाना है, ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से। बाकी सवाल बनाने में तो क्या क्या किया जा सकता, अपन जैसे मोल कंसेप्ट लगाया जा सकता थोड़ा सा, कि आपको मोल गिवन है, आपको मोलर मास गिवन हो के, तो आप खुद मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं जिनकी बात अगले वीडियो में और हम करेंगे, अगले लेक्चर में और करेंगे। तब तक के लिए घर पे सेफ रहे और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, टेक केयर और टाटा बाय बाय।